नमस्कार सबको, आज के योगा इंटरनेशनल योगा दिवस के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आज सूर्य ग्रहण भी है और काफ़ी उसका भी काफ़ी महत्वपूर्णता है हमारी ज़िंदगी में। आज फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ न्यू सरस्वती हाउस पब्लिशर्स इंडिया, आई वेलकम यू ऑल टू बी पार्ट ऑफ द वेबिनार ऑन इंटरनेशनल योगा डे विद नन अदर दैन द ब्रिलियंट सेलिब्रिटी फिटनेस एंड वेलनेस एक्सपर्ट डॉक्टर रिचा सूद। Dr. Sood, a very warm welcome to you from all of us. Dr. Sood is a multifaceted personality who wears many feathers in her cap. An eminent educationalist who has been awarded the CBSE Best Principal Award, she is the first woman gold medalist from Ghaziabad for Indian universities. Dr. Sood was the script writer and anchor in Hindi for the Commonwealth Games in 2010. She also went to Incheon, South Korea for Paralympics in 2014 as the team manager for athletics. She is a certified para coach for Road to Tokyo Olympics 2020, as well as a diet counselor and fitness expert. And as an educationist, she has been working dedicatedly towards affordable education and sports for all children for the past 29 years. Dr. Sood has authored a whopping 72 books, and one of her books, Sanchetna, Ek Jagruk Evam Sarthak Palan Poshan, has received an award for the most useful book for kids nurturing from Karyakarini Sabha Delhi, Akhil Bharatiya Hindi Parishad. Dr. Sood, bahut bahut swagat aapka is webinar mein. Aaj hum yoga sirf seekhenge hi nahi, uska upyog bhi janenge, jo aaj ke waqt ke liye bahut mahatvapurna hai. और न्यू सरस्वती हाउस पब्लिशर्स हमेशा से ही हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और फिटनेस के लिए जाना जाता है। ऑल आर बुक्स आर वेरी वेरी सेंट्रिक टू हेल्थ एंड फिटनेस विच इज पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग। डॉक्टर सूद आज हमें सारे योगा के बेनिफिट्स बताएंगे और सबसे अच्छे योगा के पोजेस जो आज के टाइम के लिए बेनिफिशियल है वो बताएंगे। नमस्कार डॉक्टर चसूद, ओवर टू यू। थैंक यू अरुणिमा जी। सबसे पहले मैं सरस्वती पब्लिशिंग हाउस को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने इतना अच्छा ये इनिशिएटिव लिया है जिससे कि पूरा विश्व आज फ़ायदा ले सकता है और जो भी ज़रूरतमंद है उसको भी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि योगा एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि पहले तो हमें फिट रखती है फिजिकली और उसके साथ साथ मेंटली, क्योंकि आज जो COVID-19 का वक्त चल रहा है उस वक्त हमें मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, हमें दोनों तरीके से स्वस्थ होने की ज़रूरत है। तो आज सरस्वती हाउस को मैं दिल से धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है ऑनलाइन योगा को ला करके, और आज के योगा दिवस का जो एजेंडा है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ही योग दिवस की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की थी, तो आज का जो एजेंडा उन्होंने दिया है वो एजेंडा है घर पर रहकर योग, परिवार के साथ योग। तो मेरी जो भी आज दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, जो देख रहे हैं, उन सभी से अनुरोध है कि आप अपने परिवार को भी अपने साथ बिठाइए और परिवार के साथ योग कीजिए। मेरा एक छोटा सा मानना है, एक छोटी सी कहावत भी है, कहा जाता है द फैमिली ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो मेरा आज मानना है कि द फैमिली डज योग टुगेदर स्टैंड टुगेदर, एंड वेयर वी हैव टू स्टैंड, वी हैव टू स्टैंड अगेंस्ट कोरोना। जो अभी हमारा समय चल रहा है वो बहुत कठिन समय है, हर समय हमारे दिल में दिमाग में एक डर छाया रहता है, हमें उस डर से बाहर आना है, और वो डर का बाहर आने का बहुत ही प्यारा रास्ता है कि हम खुद को स्वस्थ रखें। एक छोटी सी बात कही जाती है कि अगर हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो हमें कब डर लगेगा, हमें तब डर लगेगा जब हम बिना टिकट के होंगे, यानी कि हमने कोई गलती की होगी तब हमें ट्रेन में सफर करते हुए डर लगेगा। तो अगर हम अपनी टिकट यानी हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लें और हम हमारे जो मेजर्स हमें बताए गए हैं, मास्क, आईज को कवर रखना और हाथों को धोना, तो ये अगर हम अपनी टिकट अपने साथ रखेंगे तो हमें सफर करते हुए डर भी नहीं लगेगा। और उसके साथ साथ जब हम योग करके अंदर से स्ट्रांग होंगे, बहुत स्ट्रांग होंगे, स्वस्थ होंगे, हमारे फेफड़े स्वस्थ होंगे, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होगा और हमारी जो साइकोलॉजी है वो पॉजिटिव होगी, तो कोरोना हम पर अटैक भी नहीं कर पाएगा।
तो इसलिए आज का ये इनिशिएटिव, आज का योग दिवस आप सभी को मेरी तरफ से डेडिकेटेड है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको अधिक से अधिक लाभ, अधिक से अधिक फायदा हो सके। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका अर्थ है कि सभी सुखी हों, कोई भी दुख का भागी ना हो। तो मेरी सबसे प्रार्थना है, और पूरे संसार में आज जो भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो भी सभी अपने लिए, अपने परिवारजनों के लिए, अपने मित्रगणों के लिए, सभी के लिए ये प्रार्थना करें कि हम सभी स्वस्थ रहें, स्ट्रांग रहें और इस मुश्किल समय से जीत कर बाहर निकलें। हार कर नहीं, जीत कर बाहर निकलें। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगी कि जब भी हम योग करें, हम अपने को सबसे पहले तैयार करें। तो तैयार करने के लिए हम जो करते हैं वो होता है सूक्ष्म व्यायाम, यानी कि वार्मिंग अप, यानी कि बेसिक एक्सरसाइज टू प्रिपेयर आवर बॉडी फॉर योगा एक्सरसाइजेस, योगा आसनास। तो अभी जो हम करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। तो सूक्ष्म व्यायाम हमारे शरीर को तैयार करेगा आने वाली योगा एक्सरसाइज के लिए। तो सबसे पहले आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठना है, पैरों को आगे रखना है अपने सामने इस तरीके से, एंड नाउ यू हैव टू स्ट्रेच योर टोज टूवर्ड्स यू एंड अवे फ्रॉम यू, टूवर्ड्स यू एंड अवे फ्रॉम यू। वी कैन डू दिस एक्सरसाइज फॉर 5 to 10 टाइम्स। प्लीज मेरे साथ साथ करिए और सीखिए। मैं बहुत धीरे धीरे आपको ये आसन बताऊंगी ताकि हम सब कर सकें और सीख सकें। यूं तो आजकल गूगल गुरु बहुत हैं हमारे साथ, बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे के साथ करें, सहयोग से करें और एक दूसरे की गाइडेंस में करें तो बहुत अच्छा रहता है। और हाँ, योग या कोई भी एक्सरसाइज जब भी हम करें, अगर हमारे शरीर में कोई समस्या है, हम किसी सर्जरी करवा के हटे हैं, कोई सर्जरी हमारी हुई है, तो हमें एक्सरसाइज या तो एक्सपर्ट की ऑब्जर्वेशन में करनी चाहिए और या फिर धीरे धीरे करनी चाहिए। और अगर कोई एक्सरसाइज करते वक्त आपको तकलीफ हो तो उस एक्सरसाइज को, उस आसन को आप बिल्कुल मत कीजिए। ये हो गया हमारा पहला सूक्ष्म व्यायाम। दूसरा, इसी के साथ साथ ये सूक्ष्म व्यायाम है, वी हैव टू रोटेट आवर एंकल्स towards clockwise and anti-clockwise 5 to 10 times. 1 2 3 4 5 6 7 8 First benefit, this is preparing our body for yoga exercises, and second is this will reduce the fat of your legs also. Next we are coming to butterfly exercise. Everybody knows about the butterfly. First of all, we have to keep our legs like this. Both the feet combined together. Interlock your fingers like this. Hold. Don't sit like this. Sit in the straight posture. Spine straight, shoulders stretched. Now we have to do butterfly. Slowly. This will help you to reduce your hip fat, your thighs fat, and especially the mobility in your joints of knee and glutes. This we can do for 20 to 30 times. We are coming to the next exercise now. Again, the legs forward, toes together, and then we have to make the fist, holding thumb inside of the fist like this. Now join it and rotate it. Again, 5 to 10 times. 6 7 8 9 10, and then reverse clockwise and anti-clockwise, always for all exercise when we are doing any kind of rotations. Eight, nine, and ten.
The next is shoulder rotation. We have to sit in the Sukhasana. Normal sitting as the comfortable pose. Very comfortably. Then we have to do the shoulder rotation. And first we have to keep our thumb here and then the fingers. And then we have to rotate slowly. Chin little down. And try to touch your elbows together. जितना बड़ा जीरो आप बना सकते हैं as maximum as possible with your this. And then reverse. Again, try to touch your elbows. And now change, switch to next exercise, that is overhead hand pulling. You have to grip your hands like this, simply grip strongly, take them behind your head and stretch sideways, stretch behind your head. This will reduce the pain of your neck, this will reduce the fatigue in your shoulders and make you refresh also. And very good exercise for teachers because we always write on the blackboard, sometime on computers. So this will give you the maximum relaxation and stretching. इसके बाद हम करेंगे क्या है? We have to interlock our fingers. These are all सूक्ष्म व्यायाम. Interlock your fingers. Put it behind your head, and you have to push your head with your hands, and with head you have to push your hands back. And feel the vibration. A very good exercise for cervical. बहुत ही अच्छा आसन है ये सर्वाइकल को रिड्यूस करने के लिए और ठीक करने के लिए. अगर हम इसे लगातार अपने जीवन का एक अंग बना लें, जो भी सर्वाइकल के पेशेंट्स हैं, तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं. इसके बाद हम करेंगे राइट हैंड. सी द एंगल्स. It should not be like this. It should not be like this. It should be as per your shoulder level. दूसरे हाथ से again you have to push with your head and with your hand. और इसके बाद वी हैव टू इंटरलॉक आवर फिंगर्स अगेन एंड वी हैव टू पुश फ्रॉम द फोरहेड एंड फ्रॉम द हैंड्स टू ईच अदर एंड फील द वाइब्रेशन. जिनको अभी भी दर्द हो रहा हो वो भी करेंगे तो वो भी अभी कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में इस दर्द से निजात पा सकते हैं. इसके बाद हम करेंगे शोल्डर रोटेशन. नाउ वी हैव टू कीप आवर हैंड्स हियर एंड वी हैव टू रोटेट लाइक दिस. अगेन अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर सर्वाइकल. बहुत ही अच्छा आसन है ये शोल्डर रोटेशन. अपने कंधों को, अपने स्कंधों को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है. This is a very good exercise for collarbone, especially for females. If you check your beauty bone, which is the collarbone, will give you the very good shape for your neck, for your shoulders. And now reverse.
इसके बाद हम आते हैं प्राणायाम की तरफ. प्राणायाम, प्राण वायु मीन्स ऑक्सीजन. हम जितना ज्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगी हमें उतना ही फायदा है. और आज COVID-19 के टाइम पर जो ये COVID-19 है, ये हमारी जो हमें जो बीमारी आती है ये हमारे फेफड़ों में आती है, कफ से आती है, गले से आती है, नोज से आती है, और बेसिकली ये इफेक्ट करती है हमारे लंग्स को. तो अगर हमारे लंग्स हेल्दी होंगे तो हम कोरोना वायरस के अगेंस्ट आराम से लड़ाई कर सकते हैं और आराम से ये युद्ध को जीत सकते हैं. तो हमें अपने लंग्स को सबसे पहले अपने लंग्स को सबसे ज़्यादा हेल्दी करना है. और जो प्राणायाम है ये बेसिकली बाकी और एक्सरसाइज के लिए भी हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं. और जो हम प्राणायाम करते हैं वो प्राणायाम सबसे लास्ट में हमें ईश्वर की तरफ लेके जाते हैं, हमें ईश्वर से मिलाते हैं. सबसे अच्छी बात है, योग का अर्थ है जोड़ना स्वयं को स्वयं से, स्वयं को ईश्वर से, और आज का जो एजेंडा है स्वयं को परिवार से. तो अगर हम ये तीनों योग तीनों को जमा कर लेते हैं, एडिशन कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, तो वी विल बी दी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन दिस अर्थ एंड नोबडी कैन डिफीट अस. सो अब हम बढ़ते हैं प्राणायाम की तरफ. सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, जो कि हमारे फेफड़ों के लिए, हमारे लंग्स के लिए सबसे ज्यादा सबसे अच्छा आसन है, सबसे अच्छा प्राणायाम है. तो इसके लिए सबसे पहले या तो आप बैठेंगे सुखासन में, या अगर आप सक्षम हैं, केपेबल हैं बैठने के, तो आप लगा सकते हैं पद्मासन भी. और नहीं तो आप आराम से बैठिए. स्पाइन आपको, बैक आपको एकदम स्ट्रेट रखना है और स्टमक को सीधा रखना है, एब्डोमेन आपका सीधा रहना चाहिए. आपके हैंड्स यहाँ पर होंगे. भस्त्रिका प्राणायाम दो तरीके से किया जा सकता है. हठ योग की तरह से हम इस तरीके से करेंगे, और दूसरे तरीके से करेंगे तो हम हाथ ऊपर करके भी कर सकते हैं. तो पहले हम एक जो हमारी प्राचीन पद्धति के अनुसार है उसको हम करते हैं. तो सबसे पहले यू हैव टू कीप योर हैंड्स हियर एंड यू हैव टू फोकस ऑन ब्रीद इनहेल एंड एक्सहेल फोर्सफुली. इनहेल फोर्सफुली, एक्सहेल फोर्सफुली. डू नॉट मूव योर टमी टू मच. Be normal with your tummy, but you have to inhale. Means आपके lungs में बहुत सारी oxygen जानी चाहिए और pressure से बाहर आनी चाहिए, और आपको अच्छे से फिर से अंदर लेनी है. इसको अभी हम करेंगे 8 से 10 बार, 8 to 10 times. उसके साथ साथ, इसके साथ साथ किसी किसी को सिरदर्द हो सकता है या आपको चक्कर आने की फीलिंग हो सकती है. अगर ऐसा हो तो आप वहीं रुक जाइए. जितने रेपिटेशन आप कर सकते हैं उतने कीजिए. धीरे धीरे आप इसके अभ्यस्त हो जाएंगे, धीरे धीरे आप इस प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं, रेपिटेशन को बढ़ा सकते हैं. तो सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम. भस्त्रिका प्राणायाम करने की विधि देखिए, हाउ टू डू द भस्त्रिका प्राणायाम. सो स्टार्ट विथ इनहेल फर्स्ट. सांस की आवाज भी आनी चाहिए बाहर आते वक्त और अंदर जाते वक्त. सो इनहेल फर्स्ट देन एक्सहेल फोर्सफुली. Bhastrika supplies plentiful of oxygen to the lungs. It produces heat in the body and increases the appetite. It destroys mucus, which is very important for us in today's day, and removes disorders of the respiratory system. This also, Bhastrika also improves the efficiency of the nervous system and reduces fat from the appetite. Ye sare benefits hai Bhastrika pranayam ki. भस्त्रिका प्राणायाम हमने ये किया सामान्य गति से. इसकी तीन गतियां होती हैं, सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति. मींस फर्स्ट सिंपल नॉर्मल पेस, सेकंड इज द मीडियम पेस एंड थर्ड इज द फास्ट पेस, फास्ट स्पीड. तो अभी जो हम कर रहे हैं दूसरा मध्यम गति से. शुरुआत कीजिए 10 repetition से, क्योंकि एकदम से आप बहुत करेंगे तो हो सकता है आपको सर में दर्द हो या आपकी बॉडी में स्टिफनेस आ जाए. तो जो भी शुरुआत करनी है आराम से, और आपको लगता है कि आपको सर दर्द हो रहा है, तो आप इमीडिएटली स्टॉप दी आसना देयर देन एंड देयर. देन वी विल डू फॉर दी थर्ड लेवल, दैट इज तीव्र गति. स्टार्ट.
इसका जो दूसरा तरीका है एज पर द मॉडर्न योगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिकवर आवर सेल्फ, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट आसन, सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू डू द एक्सरसाइज. नेक्स्ट इज वी हैव टू कीप आवर हैंड्स हियर हियर, नॉट ऐसे, नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, वी हैव टू कीप आवर हैंड्स लाइक दिस नियर द बॉडी एट द शोल्डर लेवल. नाउ मेक द फिस्ट हियर एंड व्हेन वी गो अप ओपन द हैंड्स. Open the hands while coming down. Make a fist while going up. Open the hands. Open the palms. Right. So while going hands up, we have to inhale, and while hands coming down, we have to exhale. Up, inhale, exhale while coming down. So start. Right. इसके बाद अगेन वी हैव टू टेक लिटिल रेस्ट, थोड़ा सा रेस्ट टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट लेवल, द मीडियम स्पीड. यस, रेडी एंड स्टार्ट. राइट, सो दिस वॉज द मीडियम स्पीड. Now we are coming up to third level and that is the fast, तीव्र गति. हमने किया सामान्य गति से, मध्यम गति से, और अब हम करेंगे तीव्र गति से. इसके लिए भी आपको तैयार होना जरूरी है. ये नहीं कि पहले का भी असर हम पे बाकी है और हमने फिर से शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है. So तीव्र गति से अब हम करेंगे. Ready and start. शुरुआत में आप आंखें बंद भी रख सकते हैं और खुली भी रख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप अभ्यस्त हो जाते हैं, जब आप यूज्ड टू हो जाते हैं, जब आप करने के केपेबल हो जाते हैं, देन यू कैन कीप योर आईज क्लोज्ड आल्सो अकॉर्डिंगली. सो नेक्स्ट हम आते हैं अब कपालभाति के लिए. कपालभाति जो है हमारे को सबसे ज्यादा फायदा देता है हमारे एब्डोमिनल पार्ट्स के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी वेस्ट शेप में आती है. सेकेंड, हमें जो अंदर एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक कॉन्स्टिपेशन एंड हर्निया, हर्निया वाले पेशेंट एंड स्पेशली स्लिप डिस्क वाले पेशेंट्स इसे अभी ना करें. करें तो बहुत धीरे धीरे करें, फोर्सफुली ना करें. तो अभी जो हम करेंगे वो करेंगे कपालभाति. कपालभाति में हमें सांस को नाभि तक लाना है, अच्छे से लाना है, लेकिन लाने में हमें फोर्स को यूज नहीं करना है, बहुत नॉर्मली लाना है. और लेकिन हमें इसे जब बाहर छोड़ना है तो फोर्सफुली, बहुत शक्ति के साथ बाहर छोड़ना है, बहुत प्रेशर के साथ बाहर छोड़ना है. तो यह है कपालभाति. कपालभाति स्पेशली हमारे को कोर में स्ट्रेंथ भी देता है, स्पाइन को भी स्ट्रेंथ देता है, और सबसे ज्यादा हमारे ब्रेन को भी स्ट्रेंथ देता है, और बहुत सारी बीमारियों से हमें निजात दिलाता है. तो सबसे पहले अब हम करेंगे कपालभाति. इनहेल स्लोली बट एक्सहेल फोर्सफुली. तरीके से हम शुरुआत करें. 30 repetitions, then 50 repetitions, then 70 repetitions, then we can increase up to 200 repetitions. और उससे ज्यादा, जैसे कि हम कहते हैं योग साधना, जब हम योग साधना, जब हम योग को साध लेते हैं तो हम इसके repetitions और भी बढ़ा सकते हैं, जो कि हम सबके लिए फायदेमंद है. और योग साधना यानी कि हमने अपने शरीर को साध लिया, अपनी बुद्धि को साध लिया, अपने मन को साध लिया. जब हमने खुद को, स्वयं को साध लिया, तो हम योगा के रेपिटेशंस, एक्सरसाइज के लेवल्स बढ़ाते चले जाते हैं, लेकिन शुरुआत में नहीं.
शुरुआत में हमें आराम से करना है, और अगर हम किसी सर्जरी करवा चुके हैं या हम ऐसा किसी बीमारी से गुजर रहे हैं तो आप प्लीज इसे किसी ना किसी एक्सपर्ट की ऑब्जर्वेशन में कीजिए। जोश में होश नहीं खोना है। तो अब हम आते हैं तीसरे प्राणायाम की तरफ, बाह्य प्राणायाम। बाह्य का अर्थ है बाहर निकालना। जब हम इसे बाहर निकालेंगे सांस को, तो हमारे जो भी रोग हैं वो भी हमारे सांस के साथ बाहर निकल जाएंगे। और बाह्य में हमें क्या करना है, पहले इनहेल करना है और उसके बाद एक्सहेल करना है। इनहेल करने के बाद रुकना है और एक्सहेल करने के बाद हमें अपने टमी को स्क्वीज करके इनसाइड नेक को लॉक कर देना है, और जितनी देर हम रुक सकते हैं सांस को बाहर रोक करके, सांस को अंदर नहीं लेना, सांस को बाहर रोक करके जितनी भी देर हम रुक सकते हैं उतनी देर हमें रुकना है। इसके साथ साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी बाह्य प्राणायाम। इनहेल फर्स्ट, एक्सहेल एंड स्क्वीज योर टमी इन। बाह्य प्राणायाम का के कुछ बेनिफिट्स हैं कि ये स्टमक, हर्निया, यूरिनल, यूटरस, किडनी प्रॉब्लम्स, ब्लैडर प्रॉब्लम्स और सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हटाता है। बाह्य प्राणायाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ दीज डिजीजेस एंड इट इज अ क्योर फॉर ऑल ऑफ दीज डिजीजेस एक्चुअली। अभी हम इसे तीन बार करेंगे, दो बार हम कर चुके हैं, नाउ दिस इज द थर्ड टाइम। इनहेल, एक्सहेल, चिन ऑन योर चेस्ट एंड लॉक योर नेक। धीरे से नॉर्मल स्थिति में आएंगे। इसके बाद अनुलोम विलोम। देखिए, जो हमने भस्त्रिका प्राणायाम किया था वो हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, और उसकी तरह ही अनुलोम विलोम भी हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और अनुलोम विलोम को यदि हम आजकल जैसे हम वर्चुअल क्लासेस बच्चों की ले रहे हैं, सारा काम वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो उस तरीके से अगर हम अनुलोम विलोम और भस्त्रिका करते रहें तो हम मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग रहेंगे और उसके साथ फिट रहेंगे, और फिट है तो ऑलवेज हम हिट रहेंगे। तो इसके साथ साथ अभी हम करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, इसके लिए हमें क्या करना है, दाहिने हाथ का अंगूठा और बीच की दो उंगलियां, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, यानी मध्यमा और अनामिका, इन दो फिंगर्स को लेना है और ये हमें अंगूठा लेना है साथ में। इनके साथ हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको रखेंगे अपने राइट नोस्ट्रिल पर और इनको रखेंगे हम लेफ्ट नोस्ट्रिल पर। अब हमें करना क्या है, हमें राइट पे हमने थंब रखा, लेफ्ट से हमें इनहेल करना है, देन हमें अपने दिमाग से यहाँ से फोरहेड के पास से सांस को इमेजिन करते हुए यहाँ से, तब हम इससे लेफ्ट को बंद कर लेंगे और राइट से बाहर निकालेंगे, और फिर राइट से इनहेल करेंगे, देन वापस, देन लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द लेफ्ट नोस्टल इनहेलिंग, देन राइट नोस्टल एक्सहेलिंग। ओके, स्टार्ट। अनुलोम विलोम के कुछ फायदे, कुछ बेनिफिट्स में प्रॉब्लम्स ऑफ हार्ट, हाई रिस्क, हाई बीपी, हार्ट ब्लॉकेज, आर्थराइटिस, कार्टिलेज, बेंट लिगामेंट्स, साइनुअल फ्लूइड रिड्यूस्ड, पैरालिसिस,
और न्यूरल डिप्रेशन रिलेटेड सारी चीज़ें दूर होती हैं और आती ही नहीं है। सो माइग्रेन पेन, एस्थमा, साइनस, जो कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है, एंड कोविड का एक बहुत बड़ा सिम्टम है एस्थमा एंड साइनस एंड अनुलोम विलोम से ये सारी चीज़ें हटती हैं। इसको आप यहाँ पे एल्बो रख के करें, मैंने आपको अभी एल्बो नीचे करके दिखाया है क्योंकि सिखाना भी था। अगर हम इसे यहाँ रख के करेंगे तो हमारा जो चेस्ट है, हमारे जो लंग्स हैं, वो भी एक्सपैंड हो सकते हैं अच्छे से। तो कोशिश कीजिए, यू हैव टू कीप योर एल्बो एट योर शोल्डर लेवल। सो डू नाउ, ऐसे नहीं करना है हमें शोल्डर लेवल पे। सिखाने के लिए मैंने आपको ऐसा किया क्योंकि देखने में आपको आसानी रहेगी, ऐसे देखने में आपको। सो ये था अनुलोम विलोम, विच इज वेरी गुड फॉर स्टूडेंट्स, वेरी गुड फॉर टीचर्स, एंड वेरी गुड फॉर दोज हु आर डूइंग नाउअडेज वर्क फ्रॉम होम। सो एवरीथिंग विल बी वेरी गुड इफ यू डू Anulom Vilom, that will give you the mental strength, physical strength, lung strength, and you will become a very good fighter against corona. Next, we are coming up to Bhramari Pranayam. Bhramari Pranayam जो है वो भी हमारी mental health को बहुत अच्छे से बढ़ाता है, strong करता है। तो Bhramari Pranayam को हम करेंगे अब। Bhramari Pranayam भी हमारी प्राणिक यानी कि प्राणवायु को अच्छे से control करना, और कंट्रोल करके हमें बजिंग बी की तरह, जैसे कि भंवरे आवाज करते हैं, बजिंग बी आवाज करती हैं, उसी तरीके से हमें बोलना। ये हमारे थायराइड ग्लैंड्स को भी ठीक करता है, हमारे हॉर्मोन्स को भी अच्छे से सिक्रीट करता है, और हमारी बॉडी को, हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस भी करता है, और साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छे से बढ़ाता है। तो भ्रामरी प्राणायाम में हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इनहेल। प्राणायाम मतलब जो भी हमारी प्राणवायु से रिलेटेड आयाम है, आसन है, वो सब प्राणायाम है। प्राणों को आयाम में लाना, कंट्रोल करना, उनके ऊपर सिद्धि हासिल करना, वही प्राणायाम है। तो हम जब भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो हम भ्रामरी प्राणायाम में सबसे पहले हमें इनहेल करना है, यहाँ पर पूरा नीचे तक, नाभि तक। उसके बाद हम धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल लेंगे, एक्सहेल करेंगे विद द नॉइज ऑफ बजिंग बी। फर्स्ट ऑफ ऑल इनहेल, नाउ एक्सहेल विद द नॉइज ऑफ बजिंग बी, भंवरे के जैसे गुंजार करते हुए हमें अपनी आवाज गले से निकालनी है और भ्रामरी प्राणायाम करना है। इनहेल, ये था भ्रामरी प्राणायाम। इसकी भी रेपिटेशन हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और इसको कोई भी कर सकता है। इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स और इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, किसी की अगर थ्रोट सर्जरी हुई है तो डेफिनेटली अभी ना करें। इसके बाद हम आते हैं उद्गीत प्राणायाम पे। उद्गीत यानी के ईश्वर ओम, ओम को हमें ध्वनि, ओम ध्वनि के साथ करना होता है। अगेन वी हैव टू इनहेल द ब्रीथ एंड देन एक्सहेल द ब्रीथ। व्हाइल एक्सहेलिंग वी हैव टू मेक द नॉइज, वी हैव टू स्पीक ओम। इसमें एक चीज का हमें ध्यान रखना है, जब हम ओम करते हैं, ओम ध्वनि के लिए हम जब जाते हैं, तो ओम करते वक्त हमें अपने टमी को, नाभि को फोकस करना है, नेवल को फोकस करना है, और जब हम एक्सहेल करेंगे तो एक्सहेलिंग के टाइम पे हमें टमी को अंदर स्क्वीज करते जाना है। उद्गीत करते वक्त ओम के साथ साथ हमें अपने टमी को अंदर स्क्वीज करते जाना है और नाभि पर फोकस करना है। ये हमें जो सबसे पहले तो हेल्प करता है मेंटल स्ट्रेंथ के लिए, उसके साथ साथ ये हमें हेल्प करता है
हमारी जो स्टमक की एलिमेंट्स होती हैं, जो डिजीजेज होती हैं स्टमक के अंदर, वो भी काफी हद तक ठीक हो जाती हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे उद्गीत प्राणायाम। इनहेल देन ओम ध्वनि। ओ ये हम 3 से 5 बार, फिर उसके बाद 10 बार, और जब हम समाधि के लिए आगे बढ़ते हैं तो अनगिनत, कितना भी हम इसे कर सकते हैं। ये था उद्गीत प्राणायाम। इसके बाद हम आते हैं प्रणव प्राणायाम पे। प्रणव ईश्वर का दूसरा नाम है, ओम का दूसरा नाम है, और सारे ब्रह्मांड को देखें और कहते हैं कि ओम ध्वनि बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करती है। और ये भी कहा जाता है कि जब हम ओम बोलते हैं तो हमारे अंदर एक कंपन आती है, हमारे शरीर का तापमान भी बढ़ता है, जो हमें बहुत सारी बीमारियों से दूर रखता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जो हमारे शरीर में कंपन आती है, गर्माहट आती है, उससे हमारे अंदर एक ऊर्जा आती है और वो ऊर्जा हमें बहुत सारी बीमारियों से दूर रखती है। हम आते हैं प्रणव प्राणायाम पे। प्रणव में जो बेसिक चीज है वो है कि हम इसमें मेडिटेशन की तरफ जाते हैं, ध्यान की तरफ जाते हैं। जो हमने पहले 6 प्राणायाम किए हैं, वो 6 के 6 प्राणायाम हमारे को तैयार करते हैं प्रणव प्राणायाम करने के लिए, यानी ईश्वर के और नजदीक पहुंचाने के लिए। इसमें कोई ध्वनि नहीं है, केवल और केवल हमें अपनी सांसों पे फोकस करना है, इनहेल और एक्सहेल, और बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही सामान्य गति से इनहेल एंड एक्सहेल। बट वॉट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस, वी हैव टू फोकस वाइल एक्सहेलिंग ऑन आवर नोज टिप। वी हैव टू फोकस वाइल एक्सहेलिंग ऑन आवर नोज टिप एंड वी हैव टू कीप आवर आईज क्लोज। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज वी हैव टू लुक आवर सेल्फ लाइक वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ आवर सेल्फ एंड देन वी हैव टू लुक आवर सेल्फ एज अ स्पेक्टेटर। मीन्स हमें अपने आप को एक दर्शक की तरह सामने खड़े होकर के देखना है और अपने नाक के इस पॉइंट पे फोकस करना है जब हम सांस को बाहर निकालेंगे। तो अब हम करते हैं प्राणायाम। सबसे पहले इनहेल, इनहेल के साथ साथ बाहर और फोकस, एंड यू हैव टू लुक योर सेल्फ एज अ स्पेक्टेटर। ये था प्रणव प्राणायाम। ये धीरे धीरे हमें समाधि की ओर ले जाता है, धीरे धीरे हमें मेंटल पीस देता है, बॉडी पीस देता है, बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, और सबसे ज़्यादा हमारे मनोबल को बढ़ाता है, क्योंकि ये एक तरीके की सिद्धि हो जाती है जब हम सारे प्राणायाम करके प्रणव प्राणायाम करते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं कुछ हाथों के एक्सरसाइज पर, जो हम बैठे बैठे कहीं भी ऑफिस में, स्कूल में, अपने काम की जगह पर जब भी थक जाएं तो हम कर सकते हैं। ताली, यानी हमारे हाथ में सब एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, ये सब हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। इन सब एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को जब हम ताली बजाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली प्रेस होते हैं और हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी भर देते हैं। तो इसके साथ
अब हम स्टार्ट करेंगे। ताली बजाना, ताली तीन तरीके से बजाते हैं। पहला पूरे हाथ से, दूसरा फिंगर्स ऑन दी पाम्स, तीसरा फिंगर्स ऑन दी फिंगर्स। तो हमारे सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स प्रेस हो जाएंगे और हम हेल्दी हो जाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पूरे हाथ से ताली बजाना। 10-10 रेपिटेशंस हम करेंगे क्योंकि हमें समय का भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ताली बजाना। ये ताली बजाना हम क्लास में बच्चों को करवा सकते हैं अपना पीरियड स्टार्ट करने से पहले, चाहे हम उनकी लाइव क्लास ले रहे हैं, चाहे हम वर्चुअल क्लास ले रहे हैं। हम बच्चों को अगर हर पीरियड के बाद ये करवा दें तो बच्चों की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है और उनकी लर्निंग, उनकी ग्रास्पिंग और बढ़ जाती है, क्योंकि इससे हमारा रक्त संचार पूरे शरीर में बहुत अच्छा हो जाता है। ब्रेन को फिर से पूरा ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में बढ़ता है, तो उसके साथ साथ हमारी लर्निंग और ग्रास्पिंग पावर भी बढ़ जाती है। अब दूसरे तरीके की ताली है पाम एंड फिंगर्स, फिंगर्स ऑन योर पाम। सो वी हैव टू डू दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। थर्ड फिंगर्स ऑन द फिंगर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको हम ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, और ऐसे ही हमने दूसरे हाथ के साथ भी करना है। 10 and then fingers on your palm, 10 fingers on the fingers। ये था ताली बजाना। बहुत ही साधारण सा व्यायाम है। ताली हम कैसे भी बजा सकते हैं, कभी भी बजा सकते हैं। हमारा पेट खाली हो, भरा हो, हमने भोजन किया हो, ना किया हो, हम इसे कभी भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब हम आएंगे ऐसे आसन पर जिसमें कि हमें हंसना है, हास। आजकल हम हंसना भूल गए हैं। यहाँ पर बहुत सारी टेंशन रहती है, हमेशा हम स्ट्रेस के नीचे दबे रहते हैं, तो हमें कभी कभी हंस लेना चाहिए, कभी नहीं हर रोज हंसना चाहिए, बिना वजह भी हंसना चाहिए। अभी हम सोचते हैं कि यार सामने वाला क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, तो हम हंसते ही नहीं हैं। और आप देखिए, जब हम हंसना शुरू करते हैं तो हमें हंसी आती चली जाती है। मेरे एक जानने वाले अंकल थे, वो टॉयलेट में बैठ करके हंसा करते थे, और हमने जब उन्हें ऐसे हंसते सुना तो हमारी बाहर ही बैठ करके हंसी खूब छूटी। और ये हंसना वास्तव में हमें बहुत हेल्दी रखता है। आपको जहां भी लगे, अगर आपको शर्म आ रही है कि मैं यहाँ उसके सामने हंसूंगा, उसके सामने हंसूंगा, तो वो क्या कहेंगे, आप एक बंद कमरे में हंसिए, लेकिन हंसिए जरूर, और खुल के हंसिए, ठहाका लगा के हंसिए, जिसे कहते हैं कि रावण की तरह से हंसिए। जो भी हमने रामायण में जिस तरीके से रावण को हंसते देखा है, टीवी पर देखा है, उसी तरीके से हा 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 करके हमें हंसना है। हंसने से हमारे ब्रेन की जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं, ब्रेन स्ट्रोक्स की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, हमारा हार्ट बहुत हेल्दी हो जाता है, और सबसे ज्यादा हमारी साइकोलॉजी हेल्दी हो जाती है, हमें पॉजिटिविटी भर जाती है। और आज का हमारा इस सेशन का एजेंडा भी है कि हम अपने आप को कैसे पॉजिटिव रख सकते हैं। तो इसको हम करते हैं हास आसन। तो तैयार हो जाइए। लाइफ लाइक अ फूलिश पर्सन विदाउट एनी रीजन, बट वी हैव टू लाफ एंड लाफ एंड लाफ, लाफ्टर थेरेपी। आप लोग बहुत सारे क्लब ज्वाइन करेंगे, लाफ्टर क्लब ज्वाइन करेंगे, तो आओ अपना लाफ्टर क्लब आज अपने परिवार के साथ ही बना लीजिए, जो कि आपको और आपके परिवार को पूरी पूरी बहुत अच्छी सी, बहुत हेल्दी वाली हेल्थ देगा। तो चलिए हंसना शुरू करते हैं। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस भी आ गए हैं। हम ऐसे भी हंसते हैं ताकि
हमारे सारे जितने भी यहाँ के ब्रेन के ब्लॉकेजेस हैं, जो भी हमारी मानसिक स्थिति में कहीं भी हेजिटेशंस हैं, कुछ भी हैं, वो सब खुल जाए, सब रिमूव हो जाए और हम अपने असली खुले व्यक्तित्व के साथ सामने आए और खुल करके अपने व्यक्तित्व को एक्सप्रेस कर सकें और अपने कामों में सफल हो सकें। तो हाथ आसन करना हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है और पॉजिटिविटी तो डेफिनेटली ये फैलाएगा ही। पॉजिटिविटी आपके अंदर कूद कूद के भर देगा। हंस के देखिए एक बार, हर छोटी बात पे हंसिए, खुल के हंसिए, दोस्तों के साथ हंसिए, परिवार के साथ हंसिए, मगर हंसिए जरूर। इसके बाद आते हैं हम एक बहुत ही प्यारे से आसन पर, प्यारा का उल्टा चलिए और वो है सिंह गर्जना। लेकिन ये बहुत ही प्यारा आसन है जो हमें बहुत हद तक बहुत अच्छे से बैलेंस करता है, हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, हमारी स्पाइन को बैलेंस करता है, हमारे ब्रेन को बैलेंस करता है। और जब भी मैं ये अपने साथ अपने अनुयायियों को या अपने स्टूडेंट्स को जब भी मैं ये एक्सरसाइज कराती हूँ तो मैं कहती हूँ कि आपको जिस किसी पे भी गुस्सा आ रहा हो सिंह गर्जना करके निकाल दीजिए। तो कम से कम हमारे जो मानसिक कुंठाएं हैं, जो हमारे दिमाग में जो सोच ही ब्लॉकेजेस बनी हुई हैं, जो हम बिना वजह अपने दिमाग में दूसरों को टेंशन का वजह मानकर जगह दिए रखते हैं, तो सिंह गर्जना करने से मुझे लगता है कि वो सारी की सारी टेंशन जो है वो खत्म। अब हम करेंगे सिंह गर्जना। सिंह गर्जना मैं कहूंगी कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन सिंह गर्जना जो है वो हम क्लासेस में नहीं कर सकते, घर पे कर सकते हैं या योगा क्लास में कर सकते हैं, या अगर हमारे पास थोड़ी जगह है तो हम कर सकते हैं, स्कूल में परफॉर्म किया जा सकता है बट अलग से, क्लास के अंदर नहीं। लेकिन हाँ, सिंह गर्जना को हम दो या तीन तरीके से कर सकते हैं। अगर हम बैठे बैठे भी सिंह गर्जना कर लेंगे तो भी हम उसको आधा आसन को कर लेंगे तो उस तरीके से भी कभी आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा टेंस्ड हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं, तो सिंह गर्जना कर लीजिए और जिस पर भी गुस्सा आ रहा है उसको दिमाग में सोचिए और सोचिए कि हम उस पर चिल्ला रहे हैं। तो सिंह गर्जना करने से हमें बहुत सारी पॉजिटिविटी भर जाती है। तो अभी हम करेंगे सिंह गर्जना। इसके लिए हमें उल्टा लेटना है, टोज को एक साथ रखेंगे जोड़ के और भुजंगासन की स्थिति में आएंगे और इसके साथ हम जीभ को बाहर निकालेंगे, चिन तक टच करेंगे और इसके बाद हमें बहुत अच्छे से चिल्लाना है बिना कुछ सोचे कि कोई क्या सोचेगा। हमें अपनी सारी कुंठाओं को खत्म करना है। यह है सिंह गर्जना। इसको हम पद्मासन में या सुखासन की स्थिति में बैठ करके दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो लोग सक्षम है पद्मासन लगाने के वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहां से आप आगे आइए ये स्थिति में और जीभ बाहर और इसके बाद चिल्लाना है। ये बहुत ही अच्छा आसन है सिंह गर्जना, सारी नेगेटिविटीज को हमसे दूर कर देता है। आज अभी अगर हम बात करें तो एक ऐसा आसन है सूर्य नमस्कार जिसमें 12 आसन इंक्लूडेड हैं। उन 12 के 12 आसन को हम जब करते हैं तो हम सबसे ज्यादा अपने स्वास्थ्य का लाभ उठा सकते हैं। अगर हमने सूर्य नमस्कार कर लिया तो समझिए हमने लगभग 90% योग आसन कर लिए, क्योंकि वो इस तरीके से है कि हम उसमें इतनी सारे आसन करके अपने अंदर इतनी सारी एनर्जी भर लेते हैं और सूर्य नमस्कार जो पूरे संसार को जो सूर्य ऊर्जा देता है हमारे अंदर भी उसकी ऊर्जा अच्छे से भर जाती है। तो अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। इसके लिए हम सभी को खड़े होना पड़ेगा।
सूर्य नमस्कार में 12 आसन हैं, 12 पोज़ेस हैं टोटल, और हम स्टार्ट करेंगे प्राणायाम आसन से। नहीं, थोड़ा ऊपर। ये है हमारा, देखिए हम इस तरीके से करेंगे प्राणायाम आसन में। सबसे पहले बहुत सादगी से आपको बता रही हूँ, के बाद हम पादों को ऊपर लेके जाएंगे और जितना हम पीछे बेंड कर सकते हैं पादों को उठा कर छोड़ेंगे। और उत्थानासन यहाँ से इस साइड से देखिए, प्राणायाम मुद्रा हस्त उत्थान आसन। इसके बाद हम आएंगे पादलासन। यहाँ से धीरे धीरे है, बहुत झटके से नहीं, कैसे भी नहीं। ये हमारा हस्त उत्थान। हस्त उत्थान के बाद हम धीरे धीरे पदहस्त आसन। पदहस्त आसन, पदहस्त आसन के साथ ही हम आ जाएंगे अश्व संचालासन। अश्व संचालासन के बाद पर्वतासन, इसके बाद अष्टांगासन। अष्टांग, अष्टांगासन भुजंगासन, भुजंगासन, भुजंगासन पर्वतासन, अगेन अश्व संचालासन, रिपीट, फिर पदहस्त, ये था सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के 12 आसन जो हमने किए, इन 12 आसनों के बहुत सारे लाभ हैं। नमस्कार ये हमें शक्ति देता है हमारे स्कंधों को यानी शोल्डर्स को। उसके बाद हम करते हैं हस्त उत्थान आसन और पीछे बेंड करते हैं, जो हमें हमारी स्पाइन को स्ट्रेंथन करने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद हम करते हैं पदहस्त आसन, जो हमारी अगेन बैकबोन को एनर्जी देता है, स्ट्रेंथ देता है। उसके बाद हम करते हैं अश्व संचालासन। अश्व संचालासन हमारी लेग्स को, थाइस को, हिप्स को शेप अप करता है, एक्स्ट्रा फैट को खत्म करता है, और इसके साथ साथ नेक जो हम पीछे स्ट्रेच करते हैं वो हमें फायदा देता है स्पाइन के लिए और सर्वाइकल के लिए। इसके बाद हम करते हैं आते हैं पर्वतासन की मुद्रा में, जो कि हमारे
आर्म्स को और थाइस को, टोस को स्ट्रेंथन करता है। इसके बाद हम आते हैं अष्टांग मुद्रा में। अष्टांग मुद्रा जो है वो हमारे थाइस को और हिप्स को और साथ साथ बैकबोन को बहुत स्ट्रेंथ देती है। और इसके साथ साथ अष्टांग मुद्रा में कुछ लोग क्या करते हैं, एल्बोज को ऐसे खोल लेते हैं, जबकि एल्बोज हमारी बिल्कुल बॉडी के साथ रहनी चाहिए अष्टांग मुद्रा में। इससे हमारे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर्स और डेल्टॉइड मसल्स सबको बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, हम बहुत हेल्दी हो जाते हैं। और इसके बाद हम आते हैं भुजंग आसन में अगेन, और उसके बाद अगेन पर्वतासन में, और उसके बाद फिर पदहस्तासन में और हस्त उत्थानासन में और प्रणाम। तो ये था सूर्य नमस्कार। इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे आसन बताऊंगी जो कि बहुत ही कॉमन आसन है, आराम से सभी लोग कर सकते हैं इन्हें, बहुत ही आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगेन एंड अगेन आई विल रिपीट दैट इफ यू हैव अंडरगॉन एनी सर्जरी प्लीज डू नॉट डू, बट यू कैन लर्न विद अस। तो अब कुछ ऐसे आसन जो कि बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। और सबसे पहला मैं आपको आसन बताऊंगी, मंडूक आसन। मंडूक आसन हम करते हैं मेंढक यानी के फ्रॉग। थोड़ा सा ऊपर कीजिए कैमरा, नहीं नहीं ले दीजिए। ये है मंडूकासन। सबसे पहले हम इसमें ऐसे बैठेंगे वज्रासन की मुद्रा में, स्पाइन स्ट्रेट, मेक अ फिस्ट, अगेन अपनी टमी के पास रखेंगे फिस्ट, एंड वी हैव टू स्क्वीज, वी हैव टू प्रेशर, वी हैव टू मेक प्रेशर ऑन आवर टमी विद द फिस्ट, एंड ब्रीद इन, then breathe, exhale while going down. जितनी देर रुक सके, जितनी देर हम अपने सांस को रोक सके, हम इसे रोक सकते हैं और कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको करके बताऊंगी शशांक आसन, रैबिट पोज, दैट इज अगेन वेरी गुड फॉर आवर स्टमक हेल्थ। इसको हम स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, पहले वज्रासन की मुद्रा में बैठेंगे, हाथ ऊपर बिल्कुल सीधे, ब्रीद इन करके ब्रीद एक्सहेल, दोबारा से भी देख लीजिए कि भुजंगासन कैसे किया जाता है। भुजंगासन के लिए हम जमीन पर लेटेंगे, ये हमारे हाथ अपने शोल्डर्स के बराबर में लाएंगे, ना यहां पर ना यहां पर, बिल्कुल शोल्डर्स के नीचे भुजंगासन के लिए। और आपके जो ये पैर हैं ये जुड़े हुए, तो एक साथ जुड़ी हुई, जब ऊपर जाएंगे तो सांस भर लेंगे, जब नीचे आएंगे तो सांस को छोड़ देंगे। वाइल गोइंग अप इनहेल एंड वाइल कमिंग डाउन एक्सहेल। भुजंगासन के बाद हम करेंगे शलभासन। शलभासन के लिए भी हमें उल्टा लेटना है अपने टमी के ऊपर, लाई डाउन ऑन योर टमी,
इसमें हमें नेक नहीं उठाना, सिर्फ बैक टोज उठानी है और अपने हाथों को पीछे ले जा करके खींच करके सीधा करना है। अ वेरी गुड आसन फॉर योर बैक बोन, आईज, टोज, योर नी जॉइंट्स। और इसके बाद जो दूसरा लेवल है, पहले हमने सिर्फ ये उठाया, अब दूसरे लेवल में हम रुकेंगे। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज भी कहते हैं, वेरी गुड द पीपल हु आर गोइंग टू मेकिंग देयर एब्स। जितनी देर भी आप रोक सकते हैं रुकिए, सांस को अंदर भर के, और जब नीचे आए तो सांस को छोड़ दीजिए। जब भी उठे तो लेफ्ट साइड टर्न योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन सिट डाउन। इसके बाद हम करेंगे मरकट आसन, जो कि हमारी स्पाइन को, हमारी बैक को बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ करता है। मरकट आसन, अगेन लाई डाउन, हैंड्स लाइक दिस, जॉइन योर फीट and now neck opposite oh. breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, लेफ्ट साइड करवट लेके आप फिर से उठिए। इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्तासन, जो कि हमारे टमी के लिए, हमारी थाइस, नी जॉइंट्स, लेग आप सबके लिए बहुत अच्छा है। इसके तीन स्टेप्स हैं, देखिए ध्यान से। ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ये ध्यान रखिए ये पंजा खींचा हुआ होना चाहिए। टोज स्ट्रेट, ट्राई टू टच योर फोरहेड। चेंज, अभी थर्ड स्टेप, ये था पवन मुक्तासन। इसके बाद हम आते हैं कुछ कॉमन आसन्स पे, विच एनीबडी कैन डू, बट स्टिल आई वुड से, आई वुड रिपीट, इफ यू हैव गॉन थ्रू अंडर एनी सर्जरी सो प्लीज डोंट डू, यू कैन जस्ट लर्न। सो सबसे पहले हम करेंगे वज्रासन। हम ऐसे बैठेंगे, पैरों को आपको इस तरीके से फ्लैट करना है, बिल्कुल ऐसे सिंपल।
यहाँ पर हाथ रखेंगे, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर स्ट्रेस्ड, ब्रीथ इन एंड आउट स्लोली. यू कैन कीप योर आईज क्लोज्ड ऑल्सो. This asana is very good for your knee joints, your calf, your thighs, your hips, and mental peace. And above all, that helps you in digestion. Suppose आपने खाना खाया और आपको घबराहट हो रही है या कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि हमने ओवर ईटिंग कर ली, आप एक से डेढ़ मिनट के लिए वज्रासन में बैठ जाइए, आप रिलैक्स हो जाएंगे और जो एंजाइना के अटैक्स आते हैं उससे भी बच जाएंगे. ये इतना सादा सा आसन है और इतनी सारी इसके फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, तो आप इसे आराम से कर सकते हैं. इसके बाद हम करेंगे गोमुख आसन. बहुत ही सादा सा है. गोमुख आसन, एक नी के ऊपर दूसरा नी और ये हाथ पीछे और इस हाथ से दूसरे हाथ को आप टच करेंगे और कोशिश करेंगे आपकी एल्बो आपके सिर के पीछे हो. ऐसे ही अब मैं आपको दूसरी तरफ से करके दिखाऊंगी ताकि आपको पीछे के हाथों की पोजीशन भी क्लियर हो जाए कि हमें पीछे से हाथ कैसे पकड़ने हैं. नी के ऊपर नी आप ऐसे ही रखेंगे ये हाथ यहां पर जहां तक आप लेके जा सकते हैं, दूसरा हाथ यहां से लाएंगे इसके ऊपर रखेंगे और हेड के पीछे गोमुखासन. इसके बाद हम करेंगे कैमल पोज यानी उष्ट्रासन. इसके फायदे हैं हमारे बैकबोन को स्ट्रेंथ करने के लिए, एब्डोमेन को स्ट्रेंथ करने के लिए और बॉडी जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल करने के लिए. आपने ये हाथ रखे इस तरीके से सिंपल, एक हाथ और दूसरा हाथ ये लाए यहां तक आए और अब आपने बॉडी को स्ट्रेच करना. सिंपली बैक उष्ट्रासन. इसके बाद पद्मासन, जो मैं शुरू से कहती आ रही हूं, पद्मासन को हम करेंगे जिनके नी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है या नी सर्जरी हुई है वो ना करें इसे, वो सीधे सीधे सुखासन की बात कर सकते हैं. ये पद्मासन, एक पैर ऊपर दूसरा पैर ऊपर, ये है हमारा पद्मासन. इससे हमारे नी जॉइंट्स, एंकल जॉइंट्स, पैरों का दर्द, लेग काफ्स का दर्द, कोई भी पेन जो है वो धीरे धीरे चला जाता है. वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर लोअर बॉडी. इसमें भी हम धीरे धीरे सांस को अंदर आते बाहर जाते देख सकते हैं. एटलीस्ट 10 सेकेंड्स बैठिए जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं. इसके साथ साथ ही, इसी पद्मासन के साथ साथ ही, हम सबको बड़ी शोल्डर्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और डेल्टॉइड्स को हेल्दी करने का शौक होता है,
तो इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, अपने आर्म्स के ऊपर, अपने पाम्स के ऊपर बॉडी को लिफ्ट कर सकते हैं, और अगर आगे पीछे ऐसे झूल लेंगे तो हमारी आर्म्स की स्ट्रेंथ और भी बढ़ जाएगी। तो ये था पद्मासन, पद्मासन के साथ झूला आसन, और इसी पद्मासन के साथ मैं आपको बताऊंगी मत्स्य आसन। ये किया हमने पद्मासन, फिर से लगाया। इसे लगाने के बाद हमें क्या करना है, जो पैरों के अंगूठे हैं, द फर्स्ट टो ऑफ द फुट, वी हैव टू ग्रिप दैट, वी हैव टू लाई डाउन एंड स्ट्रेच। Again, now get up. ये है मत्स्यासन, a very good exercise for your backbone. कहते हैं ना, बिना रीढ़ की हड्डी का आदमी और रीढ़ की हड्डी का आदमी, तो हमें रीढ़ की हड्डी वाला आदमी ही बनना है। मीन्स हमारी स्पाइन स्ट्रांग होनी चाहिए, स्पाइन स्ट्रांग मीन्स मेंटली ऑल्सो स्ट्रांग। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी मत्स्य आसन के बाद अर्ध मत्स्य इंद्र आसन, जिसमें हम लेग्स फॉरवर्ड करेंगे, एक लेग को दूसरे के अक्रॉस इस तरीके से रखेंगे। ये हमने लेफ्ट लेग लिया है तो राइट हैंड लेंगे इस तरीके से, और इस हाथ को हम पीछे रखेंगे और गर्दन को पीछे लेके जाएंगे, नेक बैक। इसी तरीके से दूसरे लेग से ये हाथ ऑपोजिट हैंड, अ वेरी गुड एक्सरसाइज टू शेप अप योर वेस्ट एंड मेनी ऑफ द एब्डोमिनल डिजीज कैन बी क्योर्ड बाय दिस। योर स्पाइन विल बी अगेन स्ट्रेंथन। And then next we are coming up to कुकुट आसन। कुकुट कहते हैं मुर्गा। इसे हम दो प्रकार से करते हैं, एक तो बचपन में हमारे टीचर्स ने हमें कान पकड़वाए थे, दूसरा हम करते हैं इसे पद्मासन के साथ कुकुट आसन। पहले मैं आपको पद्मासन के साथ करके बताती हूँ। ये हमने किया, हाथों को हमने यहाँ से लिया, यहाँ से निकाला और बॉडी को इस पे बैलेंस किया। ये है कुकुट आसन, जितनी देर आप रुक सके आप रुकिए। कुकुट आसन जो दूसरे तरीके का होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। मुर्गा बनो, सादी सी भाषा में हम मुर्गा बने हैं, ये हमें करना है। बचपन में ऐसे बैठ जाते थे, हमें बैठना नहीं है, हमें जितना उठ के हम रह सकते हैं उतना उठ के रहेंगे। एक्चुअली हमारे टीचर्स पुराने समय में जानते थे कि कौन सी एक्सरसाइज हमें कहाँ फायदा देगी, तो जो ये कुकुट आसन था इसमें हमारा ब्रेन नीचे आता है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में आता है और इसके साथ साथ हमें फायदा मिलता है, और जो हमने गलती की होती है वो रियलाइज होती है और वो गलती सुधर जाती है। बट आजकल जो है वो हम इसे फिजिकल पनिशमेंट में मानने लगे हैं, तो अब हमें अपने स्टूडेंट्स के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन हाँ योग की कक्षा में इसे जरूर कराएं अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए। मैं एक और आसन बताऊंगी जो कि ब्रेन योगा है, स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, जिसे खड़े होके हमें करना है, और साथ साथ ये अच्छा है हमारी थाइस के लिए, नी जॉइंट्स के लिए, बैक बोन के लिए और सबसे ज्यादा ब्रेन के लिए। इसको मैं आपको करके बताऊंगी, बहुत ही सादा सा है। आपको क्या करना है, ऑपोजिट ईयर्स को पकड़ना है, थोड़ा सा लेग्स को स्प्रेड करना है
प्रेम योगा। ये है हमारा ब्रेन योगा। ये सब आसन करने के बाद हमें रिलैक्स करना चाहिए। रिलैक्स हम कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है। रिलैक्स हम करेंगे शवासन में लेटकर। सीधे लेट जाएंगे, हाथ पाम्स अपवर्ड्स, ब्रीथ इनहेल एंड एक्सहेल, लेग्स रिलैक्स, टोज अपार्ट। कम से कम 10 सेकंड तक इसे जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा आप जितना आराम लेना चाहते हैं, मेंटली अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, उतना आप कर सकते हैं। आजकल हमें स्लीपिंग डिसऑर्डर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, सो नहीं पाते हैं, दवाइयां लेते हैं। उसके लिए मैं आपको एक आसन बता रही हूँ जो है बालासन। बहुत ही आसान है वो बालासन, और बहुत ही आराम से कोई भी कर सकता है। मैं दो बार आपको करके बताऊंगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमें क्या करना है, लेफ्ट करवट पे लेटना है, लेफ्ट हैंड को पीछे लेकर के। इसके आगे देखिए, ये ऐसे लेटे, ये नी को 90 डिग्री पे लाना है, और इस हाथ को ये जो नोज के सामने ये थंब आप इस पे लेट के देखिए, इसे चाइल्ड पोज भी कहते हैं। इसमें लेट के देखिए, आपको बहुत आराम मिलेगा और बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। बाल यानी चाइल्ड पोज, चाइल्ड मतलब बच्चा, बच्चे की तरह से बेखबर होके सो जाएगी। मैंने आपको फ्रंट साइड से बताया, मैं अब आपको बैक साइड से बताती हूँ। ये लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड आगे, और तो जिन्हें भी स्लीप डिसऑर्डर्स हैं वो आराम से इसमें सो सकते हैं। और ऐसे ही योग निद्रा भी होती है, वो बहुत लंबा प्रोसेस है, उसमें काफी समय चाहिए। वो कभी फिर मौका मिला तो आप सबको मैं वो भी बताऊंगी। इसके बाद अरुणिमा जी के कुछ सवाल थे जी। मैम मैम धन्यवाद, पहले तो आपका इतना अच्छा सेशन आपने किया है फॉर एवरीबॉडी, सबका बेनिफिट इतना ज्यादा बेनिफिशियल, और सारे आसनों के, प्राणायाम के, हर एक चीज के आपने बेनिफिट साथ साथ बताई हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, पहले तो धन्यवाद। एवरीबडी विल बेनिफिट फ्रॉम दिस इन अ ह्यूज वे, इंक्लूडिंग पीपल लाइक मी, यू नो, कॉर्पोरेट्स हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे पेरेंट्स हो, जो भी घर, चाहे ओल्ड हो चाहे यंग हो, सब लोग इससे बेनिफिट कर सकते हैं। मैम सो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस आए भी हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो मैं आपको पहली चीज तो ये पूछना चाहती हूँ कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू डू योगा, और इज देयर एनी बेस्ट टाइम टू डू योगा? योगा का बेस्ट टाइम होता है जब सूर्य उदय हो रहा हो या अस्त हो रहा हो। पहली बात, सूर्य उदय सुबह सुबह और सूर्य अस्त जब, मीन्स जब दोनों बेलाएं, समय की दो बेलाएं आपस में मिल रही हो, सूर्य उदय हो रहा हो या सूर्य अस्त हो रहा हो, उसके साथ साथ हमें क्या ध्यान रखना है कि हमने कम से कम 3 घंटे पहले कुछ खाया हो जो डाइजेस्ट हो चुका हो। इमीडिएटली खा करके हमें एक्सरसाइज नहीं करनी है। ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैम एक चीज है, आप सबसे ज्यादा, यू आर वेरी फेमस एंड वेरी
यू नो यू आर वेरी फेमस एंड यू आर वेल नोन फॉर समथिंग कॉल्ड फेशियल हो गया एंटी एजिंग. मैम ये जरा बताइए बिकॉज यू नो हाउ टू डिफाई एज सो वेल, अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगी क्योंकि इस टाइम पे जो स्ट्रेस है लोगों के अंदर, जो कोविड स्ट्रेस जिसकी बात आप कर रहे थे मैम, वो सबके चेहरे पे आ रहा है, सबके यू नो बाल गिर रहे हैं, लोगों का सब कुछ इम्बैलेंस हो रहा है, अगर आप थोड़ा उसके बारे में बताएंगे मैम हाउ टू वर्क आउट. देखिए अरुणिमा जी, जैसा आपने मेंशन भी किया था कि मुझे 29 इयर्स हो गए हैं ऑलमोस्ट, आई एम वर्किंग डेडिकेटेडली फॉर स्टूडेंट्स स्कूल एंड स्पोर्ट्स. सो 29 इयर्स की जर्नी मेरी ये थी एंड आई स्टार्टेड दिस जर्नी एट द एज ऑफ 21 इयर्स. सो नाउ आई एम 50 प्लस. सो दिस इज द थिंग, बेसिकली वी डू एक्सरसाइज, वी डू योगा, तो इससे हमें बहुत सारा फायदा होता है. और जो आपने कहा कि फेमस बात है, वो फेमस बात है योगा फेशियल. हम अपने चेहरे, देखिए हमारा चेहरा ही हमारा आईना है, तो जब हम अपने चेहरे की बात करते हैं तो चेहरा खूबसूरत के साथ साथ हेल्दी भी होना चाहिए और जो सामने वाला देखे तो उसे अच्छा भी फील होना चाहिए. मैंने एक चीज नोटिस करी है और मेरे ख्याल से जग जाहिर बात है, यूनिवर्सली सब लोग जानते हैं कि जो खूबसूरत चेहरे होते हैं उसे छोटे छोटे बच्चे जो मासूम होते हैं वो दो टूक देखते रहते हैं. तो अगर आपके चेहरे को बच्चे इस तरीके से देख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आप खूबसूरत हैं, भले ही आप उसकी माँ हैं या नहीं है, माँ को तो बच्चा देखता ही है. तो उस खूबसूरत चेहरे को बनाए रखने के लिए जो इस समय एक्सरसाइज करने के बाद, एक तो हमारा पूरा रक्त संचार, हमारी सारी मांसपेशियां एक्टिव हैं, सारी मसल्स एक्टिव हैं, तो जो इस समय हमें पसीना आया हुआ है, ये पसीना, ये स्वेट, इट इज द आई थिंक प्राइसलेस. ये स्वेट जो है वो प्राइसलेस है. इस स्वेट को अगर हम एक क्रीम के जैसे इस्तेमाल कर लेंगे अपने फेस के लिए तो दैट विल बी अ बून फॉर अस. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि योगा फेशियल आप कैसे करें. हमारी आईब्रोज के नीचे का हिस्सा ये लटकना शुरू करता है एज के साथ, सैगिंग होना स्टार्ट होता है. तो सबसे पहले हम लेंगे इंडेक्स फिंगर, इसको हम करेंगे इस तरीके से टुवर्ड्स द ईयर्स और ईयर्स को थोड़ी देर के लिए यहां से बंद कर देंगे. ये है, चार से पांच बार आप इसे रिपीट कीजिए. फिर हमारे माथे पर रिंकल्स दिखनी शुरू होती हैं, जिसको हम zigzag करके इसी स्वेट के साथ, देयर इज नो क्रीम रिक्वायर्ड फॉर दिस, ये zigzag मूवमेंट के साथ हम अपने माथे की रिंकल्स को रिड्यूस कर सकते हैं यहां तक. इसके बाद हम आते हैं नोज के पास, क्योंकि हमारी फाइन लाइंस, जो लाफिंग लाइंस है, वो यहाँ पर विजिबल होनी स्टार्ट हो जाती हैं रिंकल्स के तरीके से. इसको हम अगेन इंडेक्स फिंगर के साथ टुवर्ड्स द ईयर लेके जाएंगे, स्लोली विद लिटिल प्रेशर. ऐसे ही नीचे तक लाएंगे. इसको पूरे योगा फेशियल को कम से कम 5 से 7 मिनट तक आप कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा. इस तरीके से कानों तक हमेशा लेके जाना है एंड ऑलवेज अपवर्ड्स, नीचे कभी नहीं लाएंगे. डोंट इवन, आप जब टॉवल से भी अपना फेस साफ कर रहे हैं तो ऐसे मत कीजिए, हमेशा टॉवल से भी फेस को ऐसे साफ कीजिए इस तरीके से ऊपर की तरफ, ताकि हमारे साइड्स ये सब जो लटकना शुरू होता है वो डिले हो सके. खत्म तो नहीं हो सकता बट वी कैन डिले दिस, राइट. एंड देन वी आर कमिंग अप टू थंब फॉर द जॉज. वी हैव टू रब आवर जॉज विद द थंब्स अगेन टुवर्ड्स द ईयर्स, राइट. Then, this way, we have to use our sweat as a cream. And then, last, what we have to do is we have to rub our hands like this. और आपको कब तक रब करना है? आप सबके घर में माचिस होती है, मैच बॉक्स, उसकी जो तीलियां होती हैं, मैच स्टिक्स, उनको सूंघ करके देखेगा,
उनकी जो स्मेल है उसमें से बारूद की स्मेल आती है, वो जो बारूद की स्मेल जब हमारे हाथों में से आने लगेगी हम ऐसे रब करेंगे, ये आपको शायद कोई नहीं बताएगा, आपके हाथों में से बारूद जैसी खुशबू आने लगेगी, उस माचिस के आगे लगे बारूद की जैसी, जब वो खुशबू आने लगे हाथ पूरी तरीके से समझिए गर्म हो गए, जितना हमें चाहिए उतने गर्म हो गए, जब हाथों में से बारूद जैसी खुशबू आने लगे। जी जी यस, इसको आप अपने चेहरे पर महसूस करें लास्ट में। तो ये है असली एंटी एजिंग, एज डिफाइंग एंड ब्यूटी टेक्निक इन योगा बाय डॉक्टर ऋचा सूद। ये बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि ये स्ट्रेस जो अभी हम जिसके अंदर अभी लोग हैं और वैसे भी होते हैं, यू नो लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रेस नाउ डेज विद वर्किंग पीपल, सो यू कैन यूज दिस आसनास वेरी इजी, 5 से 7 मिनट मैक्सिमम, मतलब बहुत ज्यादा है तो वो लग सकता है। मैम ये कभी भी कर सकते हैं, एक बार सुबह एक बार शाम? कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई खाना कोई सूर्य, लेकिन हाँ मैंने आपको बताया कि आफ्टर डूइंग एक्सरसाइज व्हेन यू आर स्वेटिंग अलॉट, सो यूज यू हैव टू यूज योर स्वेट एज अ क्रीम। सो लास्ट आई वुड लाइक टू टेल यू द आईज एक्सरसाइज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल बच्चों की आंखें बड़ों की आंखें बहुत जल्दी कमजोर होती हैं, तो हमें आईज के लिए एक्सरसाइज करनी है। ओपन योर आईज लाइक दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल अप एंड डाउन आईबॉल, इससे देखिए आपकी आंखों की थकान भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। कंप्यूटर पे काम करने के बाद आप इसे कभी भी कर सकते हैं, कभी थकान महसूस करें तब भी कर सकते हैं। देन आप इसको लेफ्ट राइट कीजिए, देन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, you have to rotate your eyeball clockwise and anti clockwise. Okay, these are very yes very simple and very very good. simple, bachchon ko karwaiye, aur agar aapko chashma delay karna hai to you have to focus on your thumb, do not turn your face, just turn your eyeballs. So ye eyes ke liye exercise ho gayi basically sabse yes. achhi and concentration and focus. Yes. Thank you, ma'am. Ma'am, next question है जो हमें ये सारे questions हमें हमारे platform पे मिली है. One of them is very important. Ma'am, thyroid patients जो लोग weight नहीं lose कर पाते हैं and you know खाना भी controlled होता है, दवाई लेते हैं और इतना चलते हैं, exercise करते हैं, लेकिन weight नहीं lose कर पाते हैं, ऐसा कुछ exercise है जिससे at least weight ना भी कम हो, body toned हो या you know थोड़ा सा better feel करें? थायराइड के लिए सबसे पहला और सबसे अच्छा आसन है सिंह गर्जना। इसके साथ इनको अपनी डाइट पे भी थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा डेफिनेटली, क्योंकि हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड हैं। सबसे पहले आपको सिंह गर्जना और इसके साथ साथ कुछ कार्डियो एक्सरसाइज होती हैं जो करना बहुत जरूरी है। अगर कार्डियो एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वेट लॉस नहीं होगा, और सिंह गर्जना कार्डियो एक्सरसाइज के साथ साथ करेंगे तो आपका थायराइड ग्लैंड्स कंट्रोल में आने होंगे और जो हार्मोन सेक्रीट हो रहे हैं, एक्स्ट्रा सेक्रीट हो रहे हैं या कम सेक्रीट हो रहे हैं, वो बैलेंस होने धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। थैंक यू। सिंह गर्जना और इसके साथ आपका भ्रामरी प्राणायाम, ये दोनों चीजें आपके थायराइड को बहुत कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट बच्चे जब टीनेजर्स में आते हैं एंड ओल्डर पीपल, यू नो पीपल जो मिडिल एज से ओल्ड एज पे जाते हैं, पूरा हार्मोनल उनका इम्बैलेंस हो जाता है, इज देयर एनी एक्सरसाइजेस जो रेगुलरली करना चाहिए टू ईज द कंडीशंस, थोड़ा सा कंडीशंस ईज हो जाए? इसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम करें, उद्गीत करें और प्रणव करें। मैंने आपको बताया भस्त्रिका प्राणायाम जी, उद्गीत ओम ध्वनि के साथ और प्रणव नोज पे फोकस करते हुए, breathe in and breathe out and you have to look yourself as a spectator. इससे आपकी concentration बढ़ेगी और mental peace ease out होगा और आप अपने आप को control कर पाएंगे। Thank you, ma'am. ये बहुत आसान, कहने में बहुत आसान है, करने में भी बहुत आसान है, लेकिन इसको लगातार करना और लगातार करने के लिए प्रण लेना means खुद को dedicate करना, वो मुश्किल है। अगर हमारे program से आप लोग इसे dedicatedly करना सीख लें तो हम सफल हैं और आप भी सफल हैं, फिट है तो हिट है। मैम योगा एक ऐसी चीज है, एक तो आप हमें कुछ ऐसे आसन बताइए जो सब लोग डेली, मतलब जो डेली लोग कर सकते हैं और कोई भी कर सकता है, और साथ में आप ये भी बताइए कि
योगा, क्या योगा बिना सीखे या बिना किसी एक्सपर्ट के हेल्प में से करना चाहिए? देखिए, हमारे हिंदुस्तान में तो ज़्यादातर स्कूलों में योग बचपन में हर स्कूल में सिखा दिया जाता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि पहली या दूसरी बार जब भी आप करें तो किसी एक्सपर्ट के उसमें ही करें। आजकल वीडियो ट्यूटोरियल्स भी आते हैं, बट वीडियो ट्यूटोरियल्स में आप लोग सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं। हालांकि आजकल इनबॉक्स और ये सब का ज़माना है, आप उसमें पूछ भी सकते हैं, लेकिन आप जो दर्द उस समय महसूस करें या कुछ गलती हो रही है तो उसको आप उस समय देन एंड देयर रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो मेरा मानना है कि जब आप इसे सीखें तो ज़रूर किसी एक्सपर्ट के साथ ही सीखें। और जो मैंने आपको आसन बताए, वज्रासन मैंने बताया था, गोमुख आसन मैंने आपको बताया, और उष्ट आसन मैंने आपको बताया, अर्धमत्स्येन्द्र आसन मैंने आपको बताया। ये आप कभी भी कर सकते हैं, मीन्स खाली पेट, भरे हुए पेट के साथ नहीं, लेकिन ये कॉमन मैन कोई भी कर सकता है। ये छोटे छोटे आसन हैं और बहुत आसान आसन है, लेकिन जैसे वज्रासन है इसके फायदे बहुत सारे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे आसन मैं दोबारा से रिपीट करूंगी, वज्रासन, गोमुख आसन, उष्ट्रासन और अर्धमत्स्येन्द्रासन, ये आप लोग कभी भी कर सकते हैं। और जैसे सिंह गर्जना है वो भी आप कर सकते हैं, और सबसे अच्छा है हास आसन, हंसने वाला, लाफ्टर थेरेपी, वो तो कोई भी कर सकता है। जी मैम, ये टेकिंग दिस फॉरवर्ड, इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, टीचर्स आजकल, आई मीन टीचर्स हमेशा ही इन अ वे स्ट्रेस में रहते हैं, बिकॉज दे हैव सो मच प्लानिंग टू डू, सुबह से लेके रात तक, रात से फिर सुबह तक। आप इतने एमिनेंट एजुकेशनिस्ट हैं, आप इस चीज से तो जरूर वाकिफ भी हैं, यू मस्ट बी डीलिंग विद इट एवरी डे। सो मैम, हाउ डू टीचर्स कीप देमसेल्व्स हैप्पी एंड प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर क्लासेस एवरी डे, वर्चुअल हो चाहे फिजिकल हो? जी, सबसे पहले मैं टीचर्स को बोलूंगी कि आप भस्त्रिका आसन जरूर करें, भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करें, जब भी मौका मिले सिंह गर्जना जरूर करें। और उसके बाद मैंने आपको सूक्ष्म व्यायाम में बताया था, हैंड्स को इस तरीके से इंटरलॉक करके ये पीछे स्ट्रेच करें, ये टीचर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और इसके साथ ये वाला शोल्डर रोटेशन जो है, ये वाला शोल्डर रोटेशन, ये टीचर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और टीचर्स को उद्गीत जरूर करना चाहिए, यानी ओम चैंटिंग जरूर करनी चाहिए, और इसके साथ साथ सिंह गर्जना, क्योंकि टीचर्स का जो है साउंड बॉक्स, अक्सर मैं देखती हूँ हमारे स्कूल में भी देखती हूँ कि साउंड बॉक्स बोल बोल के उनका स्वेलिंग आ जाती है उसमें। तो अगर हम सिंह गर्जना करते रहेंगे, भ्रामरी प्राणायाम करते रहेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम करते रहेंगे और उद्गीत करते रहेंगे तो हमारे साउंड बॉक्स में स्वेलिंग भी नहीं आएगी। मैंने ऐसा भी देखा है कि टीचर्स कई बार एक एक महीने की उन्हें छुट्टी लेनी पड़ जाती है, क्योंकि डॉक्टर उन्हें वोकल रेस्ट के लिए बोल देते हैं। तो अगर हम ये प्राणायाम करते हैं जैसे भस्त्रिका, उद्गीत, सिंह गर्जना, तो ये वाले जो प्राणायाम करते रहेंगे तो हमारे साउंड बॉक्स स्ट्रांग हो जाएंगे और हमें उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, स्वेलिंग नहीं आएंगी। और मैं ये मानती हूँ कि टीचर्स को हंसना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक टीचर, जब हम टीचर का चेहरा पहन लेते हैं तो अपना बचपन भूल जाते हैं, जबकि हम रहते बच्चों के बीच में ही हैं। तो अगर हम बच्चों के बीच में बच्चे बन के रहेंगे तो हमें वैसे भी टेंशन बहुत कम होंगी। बहुत अच्छा आंसर मैम। लास्ट टू क्वेश्चंस हम लेंगे अब, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है एंड यू हैव बीन डूइंग दिस बहुत सुबह से, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन मैंने सब कंपाइल करके लास्ट के दो क्वेश्चंस मैं लूंगी। उसमें से एक है कि मैम, बच्चों का कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाया जाए, दे आर नॉट यूज टू वर्चुअल क्लासेस, स्पेशली छोटे बच्चे, एक तो वो है, और बड़े बच्चे तो केयर, यू नो, इन अ सेंस दे डोंट केयर, क्योंकि वर्चुअल क्लासेस है, आते ही नहीं है क्लास में, या उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स बहुत लो होता है, नीचे कुछ और कर रहे होते हैं। तो एक तो कंसंट्रेशन लेवल्स कैसे बढ़ाया जाए फॉर बोथ से वर्चुअल क्लासेस एंड फिजिकल क्लासेस? देखिए, यहाँ पर टीचर्स और बच्चों दोनों को मैं एक बात कहना चाहूंगी कि टीचर्स जब वर्चुअल क्लास लेते हैं तो अपनी वर्चुअल क्लास में जैसे ताली वाला मैंने आपको बताया, इससे भी फोकस बढ़ता है, और उसके साथ मैंने आपको बताया उद्गीत प्राणायाम, जो कि बच्चों को आप बैठा के करवा सकते हैं। आसान नहीं है क्योंकि बच्चे आपके सामने नहीं है, उनको कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, बट फिर भी अगर हम छोटी छोटी कोशिश करेंगे और अपनी क्लासेस में हम छोटी छोटी फिजिकल एक्टिविटीज लाइक शेकिंग हैंड्स, ओके, नाउ हु कैन स्क्रीम लाउड,
इस तरीके की स्क्रीमिंग इज लाइक सिंह अर्चना और भ्रामरी, कौन चिल्ला सकता है। तो बच्चों को हमें इंटरेस्ट क्रिएट करना भी बहुत जरूरी है। और मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगी कि आफ्टर 35 मिनट्स टीचर्स बच्चों को एक ब्रेक दें वर्चुअल क्लासरूम्स में, और अगर आपके फिजिकल क्लासरूम्स चल रहे हैं तो भी 40 मिनट्स का ही देखिए एक पीरियड रखा जाता है या 35 मिनट्स का ही रखा जाता है। इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। तो वो 35 मिनट्स के जो ब्रेक है उसके बाद टीचर्स बोले आप पानी पी लीजिए या चलिए हम कुछ एक एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी में आप खुद गीत करा सकते हैं, भ्रामरी करा सकते हैं, ताली करा सकते हैं और हास्य आसन करा सकते हैं। और मैं एक चीज आपको बताऊंगी, जैसे आजकल बहुत सारे लोग जो हैं कंप्यूटर और मोबाइल पर ही हैं, उसकी वजह से एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर क्रिएट होती जा रही है, सबको यहाँ दर्द रहने लगा है सर्वाइकल में। तो इसके लिए मैं आपको, जैसे आप अभी पूछ भी रहे थे, तो उसके लिए मैं छोटी सी एक्सरसाइज बताऊंगी, बहुत ही आसान है। अल्नार नर्व होती है, वो हमारी कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाती है जब हम मोबाइल पे सारा दिन काम करते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, ये हमारी दो फिंगर्स हैं, इसे हमने इस हाथ से पकड़ना है, यहाँ पे लाना है पहले, और सांस बाहर निकालते हुए नेक को नीचे ले जाना है और इसको आगे जोर से दबाते हुए। ऐसे आप करेंगे, मेरे पास इस समय कई लोग आ रहे हैं जिनकी ये दो फिंगर्स नम हो चुकी हैं, उनको पूरी बाजू में नमनेस फील होती है। ये आपने एक बार ऐसे आगे किया और ऐसे ही नेक को पीछे। इस तरीके से दोनों हाथों से करेंगे 5 मिनट लगभग। तो आपकी ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी और बच्चों को भी अपने साथ वर्चुअल क्लास में इसे करवाइए तो बच्चों को मजा भी आएगा और बच्चे दोबारा से कंसंट्रेट भी कर पाएंगे दोबारा से पढ़ने के लिए। मैम सर्वाइकल से एक और क्वेश्चन है कि मैम माइग्रेन का जो प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ लुकिंग एट द स्क्रीन टू मच, और अभी घर पे हैं लोग बहुत ज्यादा तो यू नो वैसे ही स्ट्रेस लेवल्स हैं, माइग्रेन है या हेडेक्स हैं, कुछ लोगों को बहुत होता है बिकॉज ऑफ साइनस भी है और बहुत सारे रीजन है, हेडेक्स के लिए कोई ऐसा आसन जो कर सके और प्रिवेंट हो जाए? जी, अनुलोम विलोम ऐसा प्राणायाम है जो आपके माइग्रेन में बहुत हेल्प करता है, और साथ ही भस्त्रिका प्राणायाम भी, अनुलोम विलोम हमने बताया, ये वाला हाथ को यहाँ रख के अनुलोम विलोम और भस्त्रिका हमने बताया, ये आपके माइग्रेन को 100% क्योर कर सकता है 100%। लेकिन अभ्यास करना मीन्स दवाई लेना आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डॉक्टर दवाई लिख के दे देता है, हम खाते हैं समय पर खाते हैं, पूरी खाते हैं नहीं खाते हैं, प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है कि हम तो ठीक ही नहीं हुए। और ऐसे ही योग के साथ है, हमें आता तो है लेकिन हम करते नहीं हैं तो इससे हम ठीक ही नहीं हुए। हमने तो योगा क्लास ज्वाइन की थी बट हमारे को तो कोई असर ही नहीं हुआ क्योंकि योगा क्लास पहुँचे ही नहीं, सिर्फ ज्वाइन की थी। तो उस योग में पहुँचना, उसमें सिद्धहस्त होना बहुत ज़रूरी है। अपना एक प्रण लीजिए, निश्चय कीजिए, प्लेज कीजिए, प्रॉमिस कीजिए खुद से कि मुझे योग जरूर करना है, तभी आप हेल्दी रह पाएंगे। हमारी कोशिश यही है, सरस्वती हाउस की कोशिश यही है कि पूरी दुनिया स्वस्थ रहे, पूरा संसार स्वस्थ रहे और हमारी बुक्स पढ़े। जी मैम, मैम लास्ट क्वेश्चन इस सेशन के लिए, बिकॉज बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, वी कैन नॉट आस्क एवरीथिंग, बट सारा कुछ कंपाइल करके मैंने आई थिंक सारी चीजें पूछ ली हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है मैम, व्हाट इज आसन फॉर हैप्पीनेस टू एलिवेट द मूड, अगर आपको मूड एनहांस करना है और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इंसान थोड़ा थोड़ा लो फील करता है, यू नो मूड एनहांस, आजकल डिप्रेशन इज अ वेरी बिग थिंग, यू नो देयर इज सो मच हैपनिंग अराउंड डिप्रेशन नॉट ओनली फॉर एडल्ट्स बट फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो, सो एक एक्सरसाइज जो से एक दो तीन जो भी आप बोलें फॉर एलिवेटिंग। हमारी एक छोटी सी प्रेयर है, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना, आप सभी ने सुनी होगी हमको मन की शक्ति देना। तो सबसे पहले हम खुद को प्रणाम करना सीखें, मींस अपनी एग्जिस्टेंस को महसूस करें कि हाँ हम हैं और वैल्यूबल हैं, वर्थ है। तो दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, तभी हम दूसरों को जीत सकते हैं जब हम में कॉन्फिडेंस होगा। तो पहले तो आप स्वयं को पहले प्रणाम करें, ईश्वर को प्रणाम करें, और इसके साथ साथ जैसे मेंटल हेल्थ के लिए, हेल्दी रहने के लिए मैंने आपको हास्य आसन बताया, हंसने का बताया, वो आप जरूर करें, हंसिए छोटी छोटी बात पे और मुस्कुराहट, देखिए मुस्कुराहट आपकी परेशानियों को
खत्म नहीं करती है लेकिन दबाती जरूर है, कम जरूर करती है। तो हंसना हमारे लिए बहुत जरूरी है, हंसना सीखना बहुत जरूरी है और खुद में कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है। इसके लिए अगर आप फुल्ली कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं तो सबसे अच्छा है पूरा का पूरा सूर्य नमस्कार और सातों के सातों प्राणायाम। वेरी गुड, थैंक यू मैम। आप हर चीज के लिए आपने एक एक चीज हमें समझाई और इंटरनेशनल योगा डे इससे अच्छी तो मेरे ख्याल से नहीं हो सकती थी। विदाउट हैविंग यू विद अस ये इससे अच्छा नहीं हो सकता था। एंड आई थिंक आज के सेशन में हजारों लोगों ने बेनिफिट करा है आपको देख के। एंड देयर जो लोग हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो इंडिया से नहीं, वो बहुत सारी जगहों से हैं। वी हैव पीपल फ्रॉम यू नो नाइजीरिया, वी हैव पीपल फ्रॉम इंडोनेशिया, सिंगापुर, मिडल ईस्ट, हर जगह से लोग अभी आपको वॉच कर रहे हैं और इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इतना बेनिफिट यू नो योगा से जो हमें मिल सकता है वो शायद हमें यू नो किसी और चीज़ से नहीं मिल सकता। और आपने एक एक चीज़ इतनी अच्छी तरह से समझाया मैम, मैं सबकी तरफ से आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपका हमें एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट अगर मिले, अगर आप कुछ कहना चाहें श्रोताओं से, सारे ऑडियंसेस से, तो बहुत अच्छा हो। जिन लोगों ने भी आज का प्रोग्राम देखा है मुझे लगता है उन्हें बहुत फायदा हुआ होगा। मैंने बहुत बड़े किसी योगाचार्य की तरह से कोशिश नहीं करी, बिल्कुल एक आम व्यक्ति की तरह से आप लोगों की तरह से आप लोगों के बीच में आने की कोशिश करी है, आप तक पहुंचने की कोशिश करी है। और मुझे उम्मीद है कि जो ये स्वास्थ्य का एक संदेश है वो आपको दिल तक मिलेगा, मेरे दिल से आपके दिल तक जाएगा, मेरे दिमाग से आपके दिमाग तक जाएगा और आप इसे एक प्लेज लेंगे, इसे करेंगे और हेल्दी रहेंगे। क्योंकि जान है तो जहान है और कोविड 19 हमें समझा चुका है हम घरों में क्यों छुपे हैं। घरों में भी तो इसीलिए छुपे हैं कि हम अपनी जान को बचा सकें, लेकिन हम कब तक घरों में छुपे रहेंगे? अल्टीमेटली हमें घरों से बाहर निकलना है और बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना होगा? अपनी टिकट लेनी होगी, अपना कवच लेना होगा। तो सबसे पहली टिकट और कवच है हमारा, हमारी खुद की इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए योग कीजिए और आज अपने परिवार के साथ योग कीजिए, हर रोज अपने परिवार के साथ योग कीजिए और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कीजिए और कोविड 19 से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। बी अ फाइटर इन ईच वे ऑफ योर लाइफ, ईच वॉक ऑफ योर लाइफ, वी हैव टू फाइट एंड वी हैव टू विन। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाइए, वो पॉजिटिविटी ही हमारी विल पावर को बढ़ाती है और विल पावर ही हमें जीतने की शक्ति देती है। मेरा यही संदेश है, योग कीजिए और निरोग रहिए। मैम सबके थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी एंड न्यू सरस्वती हाउस इंडिया पब्लिशर्स, ऑल आर टीचर्स, एजुकेटर्स, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, एवरीबडी इज वॉचिंग, सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं इंटरनेशनल योगा दिवस के लिए। थैंक यू मैम। सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं और अंत में सबसे लास्ट में आप वज्रासन में बैठ करके जी इस तरीके से आज प्रण ले लीजिए कि हमें योग हर रोज करना है, यही मेरा संदेश है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सरस्वती पब्लिशिंग हाउस एंड थैंक यू अरुणिमा जी, थैंक यू शमी मानिक जी, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, लोगों के साथ जुड़ने का मौका दिया। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू, नमस्ते।